जन्म राजस्थान अजमेर में ही हुआ और मैं पढ़ी लिखी उदयपुर में, और उदयपुर में जब मैं 10th क्लास में आई और मेरे घर वालों ने जो है जैनीज होने के हिसाब से 15 साल में सगाई कर दी। दिखती दिखा दी हेल्दी लड़की थी, बहुत क्यूट थी, सब पसंद करते थे, और ससुराल से भी मांगा गया मुझे कि ये बच्ची की हमें ज़रूरत है, आप हमारे यहाँ संबंध करो। तो मेरी सगाई कर दी उन्होंने राजी राजी। उसके पश्चात 18 साल जैसे ही लगा और मेरी शादी हो गई। शादी के बाद 19 साल में बच्चा हुआ और उन्होंने भी एक साल तक मुझे अच्छा ही रखा। नाम कला कोठारी, उम्र 68 वर्ष, जन्म अजमेर ना एक नानकड़ा गाम मा, परंतु समय अने संजोगो कला बहन ने अमदावाद तरफ खेंची लाव्या। आज अमदावाद ना साबरमती विस्तार मा कला बहन नो साड़ियों नो शोरूम छे अने अहींज तेओ पोताना दीकरा वहु अने पौत्र साथे रहे छे। કલાબહેન પોતાના દીકરા પિયુષ સાથે મળીને સાડીઓના બિઝનેસને બખૂબી ન્યાય આપી રહ્યા છે, જેમાં તેમનો સ્ટાફ પણ તેમના સુખ દુઃખમાં ભાગીદાર બને છે। કલાબહેનને વિધિ નામની એક દીકરી પણ છે, જે આજે પોતાના સાસરે સુખેથી રહે છે। આજ છે કલાબહેનની આજની ઓળખ। પહેલી ઓળખ પિયુષ અને વિધિની માતા, બીજી ઓળખ સાડીઓના શોરૂમની માલકિન, અને ત્રીજી ઓળખ 1 કરોડ ટર્ન ઓવર નો બિઝનેસ કરનાર આજની સફળ નારી। પરંતુ આ બધાથી ઉપરનો દરજ્જો છે એક માનો, અને એ જ માના સંઘર્ષને શોધવા વીટીવીની ટીમે કલાબહેનના સંઘર્ષમય જીવનના પાના ઉથલાવ્યા, જેમાંથી અમને મળી કલાબહેનની કઠોર તપશ્ચર્યા, કડી મહેનત અને ભૂતકાળમાં મનને અસર કરી ગયેલા કેટલાક ખરાબ અનુભવો। तो ऐसा लगा उनको कि पैसा खूब होगा फादर के पास, और मुझे अगर नहीं मिला वो हिस्सा, कहीं और ने ले लिया, तो वो मुझे यातनाएं मतलब देने लग गए थे, इसी खाली इसी इतनी सी बात के ऊपर। तो वो यातनाएं इतनी भयंकर थी कि मैं कभी कभी मतलब उनसे जून के मतलब इनोसेंट मन पे कुठाराघात बहुत भयंकर होता था, रोती हंसती मारते पीटते सब कुछ। इतनी छोटी थी कि इतना अकल भी नहीं थी कि मैं काम कर सकूं, मैं घर के काम को व्यवस्था से देख सकूं। खेलने के दिन थे, शादी हो गई, जवाबदारी बहुत भयंकर डाल दी। कला बहन ने संघर्ष करियो, निर्धार करियो कि हवे तेओ वधु सहन नहीं करे, हवे तेओ जाते आगळ वधशे। शुरुआत तो अघरी हती, परंतु क्यांक थी शुरुआत करवी जरूरी हती। रस्तो नहोतो मळ्यो, અને એટલે જ આખોય દિવસ આંખમાં આંસુ સાથે કલાબહેન વિચારતા રહ્યા, અને રાત પડતા જ આ જ આંસુ લૂછીને તેમણે કરી લીધો દ્રઢ નિર્ધાર। સાધારણ સી લેડી મેં કહા બિઝનેસ કરૂંગી, મેં ઇતના પઝલ ઓર પરેશાન હો ગઈ, ઓર મુજે દિનભર રોના આયા કે મતલબ મેં નહીં કર પાઉંગી। લેકિન શામ હોતે હોતે મેને અપને આંસુ પહોંચે ઓર અપને બચ્ચે સે કહા કે साड़ियाँ का मंडल सामने पड़ा है, तो आजू बाजू बोल क्या मेरी मम्मी साड़ियाँ बेचती है, वो बोल क्या आया। उसके पश्चात 3-4 क्लाइंट्स आए, अपने अपने हिसाब से कोई 55 की 60 की 2-4 साड़ियाँ बिकी। मुझे शाम ही वो शाम इतनी अच्छी लगी कि मैं ना अपने सारे दुख उस वक्त भूल गई कि मैंने जिंदगी के पिछले दुखों में कोई मेरा अंश एकमात्र भी अंदर मेरे नहीं रहा, इतना जबरदस्त साहस आ गया था। कलाबेन ना दीकरा पीयूष ने पण પોતાની નાનપણની વાતો યાદ છે, તે દિવસોને યાદ કરી રહ્યો છે જ્યારે તેને દુનિયાદારીની ખબર નહોતી।
मैं 9th में पढ़ता था, बस स्कूल जाता था और शाम को फिर मम्मी की हेल्प करता था। तब से साथ में ही हूँ मैं, और कोई शौक नहीं, कुछ नहीं, बस बिजनेस करना करना करना, बिजनेस को ही बढ़ाया हमने। डेढ़ लाइन में तो क्या, डेढ़ किताब भी मैं लिख दूँ तो भी कम है, लेकिन एक चीज है, जिसकी माँ नहीं उसका कोई नहीं। ભૂતકાળના પાના ઉથલાવતા વી ટીવીની ટીમને પણ દુઃખ થયું, પરંતુ અમારો પ્રયાસ કલાબહેનની ભાવનાને ઠેસ પહોંચાડવાનો નહીં, પરંતુ એ આજની નારીને જાગૃત કરવાનો હતો। અમારો પ્રયાસ હતો કે કલા કોઠારી જેવી માં આપ સમક્ષ લાવીએ, જેમને જીવનના તડકા છાયણામાં બટકું રોટલો ખવડાવીને પણ પોતાના બે બાળકોનું જતન કર્યું અને તેમને એ મુકામે પહોંચાડ્યા જ્યાં કદાચ તેઓ પતિના સાથ સાથે પણ ન પહોંચાડી શક્યા હોત। यही है कि बस वो जीवन कट गया जो कट गया, अगर वहां रहते तो शायद दूसरा रूप कुछ होता, वो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये रूप बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। राह पे कांटे बिखरे अगर उस पे तो फिर भी चलना ही है।